दिल्ली के सुल्तानपुरी के क्वारंटाइन सेंटर में कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया। सेंटर के कर्मचारी उन लोगों को शांत कराने और समझाने की कोशिश में जुटे रहे। दरअसल सुल्तानपुर के क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती एक शख्स की बीमारी की वजह से मौत हो गई। हालांकि अभी तक वह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं था, एहतियात के तौर पर उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया था। मृतक के परिवार का आरोप है कि वह व्यक्ति शुगर का मरीज था, उन्हें दवाई टाइम पर नहीं दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि यहां और भी कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें दवाई नहीं दी जा रही, जिसका लोगों ने जमकर विरोध किया। साढ़े पाँच बजे, छः बजे समय आया, साढ़े पाँच बजे कोई नहीं था, छः बजे आके देखा एकला था, डॉक्टर है क्या नहीं पूछा, नहीं अभी डॉक्टर नहीं आएगा, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा बोला था। अच्छा थोड़ी देर में आ जाएगा, मैं इनको जाके बोला अभी थोड़ी देर सफर कर लो, मेरे रूम में लेके जाके मैं इनको बिठाया। उनका तो बहुत सांस रुक रहा था, बहुत सांस ये हो रहा था। मैं फिर से आके देखा, डॉक्टर है क्या, थोड़ी दवाई चाहिए, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है करके मैं बताया था, डॉक्टर अभी नहीं आया करके 3 बार बोल दिया। सब लोग देख रहे थे, मैं आके जा रहा था, आके डॉक्टर को पूछ कर जा रहा था। उसके बाद में अभी थोड़ी देर 20 मिनट के पहला दवाई दिया था, तब भी मैं बता रहा हूँ अमित साहब, उनको तो हो रहा नहीं है, बहुत ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, खांसी में खून आ रहा है, थोड़ा समझ लो, लेके जाना है इनको, बहुत सीरियस में है, मैं बोला था। वो क्या बोले, दवाई लेके जाके दो, ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, बोल के आ जाए।